नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। अगर आपने हमारे चैनल पर को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। तो इस कहानी में राजा जनक की कहानी है। इसमें एक राजा जनक ने से एक सन्यासी ने आकर पूछा कि आप राजा होकर भी विरक्त कैसे रहते हैं, मतलब राजा को सारे सुख होते हैं फिर भी आप राजा होकर भी गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और उसके बाद भी आप विरक्त कैसे हैं। तो राजा जनक ने उस सन्यासी को एक कटोरे में तेल दिया और कहा कि राजा जनक की बाजार बहुत अच्छी थी, कहा बाजार देख कर आओ, और पीछे से एक जल्लाद को पीछे पीछे भेज दिया, कहा कि इस तेल के कटोरे का ध्यान रखना, अगर तेल में से जरा एक बूंद भी तेल गिरा तो जो है ये जल्लाद तो है ही आपके पीछे। तो वो सन्यासी जी कटोरा लेके गए और भरा हुआ कटोरा था, तो यूँ कटोरा पकड़े, कटोरे के तेल को देखे, बाजार को देखने मानी ना लगे, कुछ भी देखने क्योंकि पीछे जल्लाद चल रहा था। इस चक्कर में वो पूरी बाजार तो टहले लेकिन वो कटोरा देखते ही चले आए वापस। वापस आकर उन्होंने राजा जनक जी ने पूछा कि बाजार कैसी लगी, तो सन्यासी ने कहा कि बाजार बाजार तो देखने का हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे जनक के बाजार का तो नाम है कि बहुत अच्छी बाजार होती है और सब लोग बहुत अच्छा अच्छा उसमें सजावट है, आपने बाजार नहीं देखी, ये देखा वो देखा, कई चीज़ों के बारे में पूछा, लेकिन उसने कहा नहीं हमने कुछ भी नहीं देखा। तो उसने उन्होंने कहा फिर बाजार में आप करते क्या रहे, तो मैं तो तेल के कटोरे को यूँ देखता रहा कि एक बूंद तेल ना गिर पाए क्योंकि पीछे जल्लाद था। तो राजा जनक जी ने कहा कि बस ऐसे ही मैं विरक्त रहता हूँ गृहस्थ जीवन में रह के और राजा बन के भी, क्योंकि मुझे जो हमारा काल रूपी जल्लाद हमारे पीछे पड़ा ना उसकी हर समय याद रहती है, और मैं ये जीवन रूपी कटोरे के तेल को देखता रहता हूँ कि इसमें से एक बूंद भी तेल छलका तो जीवन गया, इसलिए हमें अपने जीवन को विरक्त के रूप में निकालता हूँ ना कि भोगी के रूप में। कहानी आपको कैसी लगी मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।